नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चक्रव्यू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। यूं तो जातियों के आधार पर वोटिंग की परंपरा लगभग पूरे देश में ही चलती आ रही है, लेकिन बिहार और यूपी इसके लिए कुछ ज्यादा ही बदनाम रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इससे बिल्कुल अछूता नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से इसी आधार पर गोलबंदी भी होने लगी है और मौजूदा मुद्दों को भी किसी न किसी रूप में जाति आधारित सुविधाजनक चुनावी चाशनी में ही लपेटा जा रहा है। जाहिर है कि मतदाताओं ने भी इसी आधार पर अपने मुद्दे चुन लिए हैं और जिन्हें जो अपने मन का लग रहा है इसी आधार पर अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं और इसीलिए अब देश भर में इस समय महंगाई और किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। लेकिन पश्चिमी यूपी में आने पर तो पता चलता है कि ये मुद्दे जरूर हैं, लेकिन ये किसी ना किसी रूप में जातिगत मुद्दों के प्रभाव में भी आ चुकी है। 2017 के चुनाव में पश्चिमी यूपी ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की तारीख लिख दी थी, लेकिन इस बार भी यह तय लग रहा है कि यहां चुनाव नतीजे जातिगत आधारों पर ही तय होने जा रहे हैं। अब तो कोई जातिगत राजनीति कर रहा है तो कोई इस बार महिलाओं को लुभाने में जुटा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मऊ में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने साझा रैली आज की और इस दौरान समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि ये लाल पीला रंग देखकर कोई और लाल पीला हो रहा होगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी को सत्ता में लाने वाला रास्ता ओम प्रकाश राजभर ने बंद कर दिया है। यूपी में भी अब बंगाल की तरह खदेड़ा होगा। सब जानते हैं कि दिल्ली में और लखनऊ में कौन लाल पीला हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह आपके भविष्य का चुनाव है और यूपी में जनता हमें 400 सीटें भी जिता सकती है। सपा प्रमुख ने कहा कि पूर्वांचल जब जाग जाता है तो इतिहास बदलता है। पूर्वांचल से तय हो जाता है कि इतिहास बदलेगा और 2022 के चुनाव में बीजेपी का यूपी से सफाया हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है और इसीलिए अब ये निशाना अखिलेश यादव ने तो साथ दिया है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव जब बेहद नजदीक है, काउंटडाउन अब विधानसभा चुनाव का शुरू हो चुका है, तो अब इस बार कुछ और ही नजर आ रहा है और वो है विनिंग फैक्टर जो इस समय लग रहा है वो है महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को लुभाने की हर पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। जहां लगातार कांग्रेस महिलाओं के लिए तमाम वादे कर रही है, तमाम योजनाएं चलाने की बात कर रही है, 40% आरक्षण देने की टिकटों में बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कमल शक्ति संवाद को जरिए महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सपा की बात की जाए तो सपा हर बूथ महिला मुहिम भी शुरू करने जा रही है, यानी कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्य जो एजेंडा नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को साधने का ही नजर आ रहा है। इससे पहले की बात कर ली जाए तो हर कोई एक जाति विशेष के आधार पर राजनीति करता था और उसी आधार पर लोगों को साधने की कोशिश करता था। हालांकि ऐसा इस बार भी हुआ, पहले प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया, चाहे बसपा हो, सपा हो, बीजेपी हो, हर किसी ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की, लेकिन जब से कांग्रेस ने महिलाओं को साधने की कोशिश की और एक नई रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरी तो उसके बाद से ही हर पार्टी का फोकस एक बार फिर से महिलाओं पर जाता हुआ दिख रहा है और इसीलिए किसी न किसी रूप में जातिगत मुद्दों का प्रभाव तो रहा ही है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा एजेंडा एक ये भी लग रहा है कि महिलाओं को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है और आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस नेता हमाम वाहिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। कीर्ति निधि पांडे जी, आज शुरुआत सबसे पहले आपसे करूंगी। अखिलेश यादव मऊ में पहुंचे थे जहां उन्होंने एक रैली को, एक जनसभा को संबोधित किया था और एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि यूपी में भी इस बार बंगाल की तरह खदेड़ा होगा। देखिए, आज मऊ के हलदरपुर मैदान में जो एक सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी की तरफ से रैली आयोजित की गई, वो अपने स्थापना दिवस था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी
के आमंत्रण पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस रैली में शामिल हुए और आज एक अच्छा संदेश पूर्वांचल के अंदर जो दिया गया वो पूरे पूर्वांचल को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा और इसमें कोई डोरा नहीं कि पूर्वांचल जागेगा तो भाजपा का खदेड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए पूर्वांचल से आज इसकी शुरुआत मऊ के मैदान से हुआ और निश्चित रूप से आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का और उसके गठबंधन के साथियों का है क्योंकि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं जो हालात हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में लोगों से वायदे किए उन एक भी वायदों को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी सफल है। बेरोजगार परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, नौजवान परेशान और जिस तरीके से कानून व्यवस्था का बहुत गुणगान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं कि कानून व्यवस्था का राज्य में स्थापित कर वो हाथरस हो उन्नाव हो। लेकिन कीर्ति जी, कीर्ति दी, यही सब बातें बीजेपी की तरफ से कही जाती हैं, योगी आदित्यनाथ भी यही बातें कहते नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बातें कहते नजर आते हैं कि 2017 से पहले भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे यूपी में चलती थी, माफियाओं का राज था पूरी तरह से यूपी में। मैं तो स्वयं कह रहा उस बात को कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथरस की घटना नहीं दिखती, माननीय प्रधानमंत्री जी को कार्यकर्ता का नहीं दिखता जो स्थिति को थप्पड़ मारता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को नाव में वो घटना नहीं दिखती जो पत्रकारों को पीट रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को वो घटना नहीं दिखी जो महिला का चिरहरण हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही सारी घटनाएं हुई है और कोरोना काल में ऑक्सीमीटर थर्मामीटर की खरीद में हर जनपद में घोटाला हुआ, कोई जनपद नहीं कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अलग अलग दरों पे खरीदे गए ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। लगातार शिकायत के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच नहीं कराई, जल शक्ति मिशन के तहत भ्रष्टाचार उसकी भी जांच नहीं हुई, महंगाई आसमान छू रही है, क्या नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कहा था बहुत हुई महंगाई की बात, अगली बार भाजपा सरकार तब 4 रुपए का सिलेंडर था 1000 सिलेंडर है, 60 रुपए का पेट्रोल 100 के पार, 60 रुपए का डीजल 100 रुपया, घर के राशन का कड़ू का तेल सरसों का तेल जो 90 रुपया 80 रुपए था, सब्जियों के भाव बढ़ गए, महंगाई रोकने में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल, और यही सब मुद्दा इस चुनाव में है और निश्चित रूप से पूरा भरोसा जो जनता का आशीर्वाद और सहयोग समाजवादी पार्टी के साथ लगातार उनकी सभाओं में मिल रहा है, ये संदेश है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम उत्तर प्रदेश की। चलिए ठीक है कीर्ति जी, गौरव जी, लगातार सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को खदेड़ा जाएगा और जिस तरह से बंगाल में कहा गया था कि खेला हुबे, उसी तरह बंगाल की तरह यूपी में बीजेपी को खदेड़ा जाएगा। देखिए कौन किसको खदेड़ेगा ये तो सब आएगा, 2022 ज्यादा दिन अभी नहीं रह गया है और ये जनता तय करेगी ये कौन है खदेड़ने वाली है, तो खुल मान बिल में बैठे हुए थे 4.5 वर्षों तक और कोरोना में पूरे कोरोना काल में कभी भी कोई भी इनका कार्यकर्ता कोई भी इनका नेता जमीन पर दिखाई नहीं दिया और ये खदेड़ने की बात करते हैं, ये मौका परस्त राजनीति करते हैं, जातिवाद वंशवाद की राजनीति करते हैं और विकास से तो दूर दूर तक इनका कोई सरोकार कोई नाता नहीं है और जब भारतीय जनता पार्टी विकास करती है बड़ी बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं लाती है समाज के सबसे अंतिम और कमजोर व्यक्ति को जब ऊपर लाने का काम करता है, स्टेडियम हमने बनाया था कोई दूसरा स्टेडियम बनाया हो तो बता दीजिए। कीर्ति जी हमने लखनऊ में मेट्रो चलाया था, आप कहीं चलाए हो तो बता दीजिए। कीर्ति जी पहले गौरव जी को बात खत्म करने दीजिए, बनाया था आप कहीं बनाया हो तो बता दीजिए। मैं नहीं बोल रहा था, कीर्ति जी पहले गौरव जी को बात खत्म करने दीजिए, दूसरा एक तरफ से बनाया हो तो बता दीजिए। आपने केवल लखनऊ में मेट्रो छुआ था, केवल मेट्रो छुआ था, हमने 10 हुआ नहीं था चलाया था, उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में मेट्रो का हमने चलाया था, हुआ था केवल मैं बता रहा हूँ, वो भी अधूरा छोड़ के गए थे, हमने चलाया था, चला के दिखाया था, उद्घाटन किया था उसका, बता देता हूँ उसपे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने यात्रा की थी उस मेट्रो पर,
आगरा एक्सप्रेसवे की भी आप की तरह जोधपुर के अधूरे अस्पताल का छू करके जौनपुर में जिस मेडिकल कॉलेज कीर्ति जी पहले गौरव जी को बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। आप लोग देश की जनता को भी गुमराह कर रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री को भी गुमराह कर रहे हो। कीर्ति जी पहले गौरव जी को बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। जब ये बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए गौरव जी। समाजवादियों का यही संस्कार है कि जबरन कुंडई से सब जगह अपनी बात को मनवाना करवाना, इसीलिए जनता ने इनको उसी भाषा में समझा दिया और आने वाले समय में भी समझा देगी। मेट्रो की ये बात कर रहे थे, 10 शहरों में मेट्रो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेस वे देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यूपी के किस 10 जिले में मेट्रो चल रहा महाराज? भारतीय जनता पार्टी क्या गौरव जी झूठ बोल रहे हैं? कीर्ति जी शहरों में उत्तर प्रदेश के किस लखनऊ के बाद किस जिले में आपने मेट्रो चला दिया? आप 10 जिलों में मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं? सिर्फ एक एक्सप्रेसवे दिया था, क्यों गुमराह कर रहे हो? घोटाला किया, उसकी हाइट को कम कर दिया, उसकी ऊंचाई को कम कर दिया, एलिवेशन को कम करके उसमें घोटाला किया और लगभग 40% और उसका फंड हमारी सरकार ने दिया, तब जाकर के वो कार्य भी पूर्ण हो सका। घोटालों में लिप्त रहने वाली पार्टी, विकास से दोषों से दूर रहने वाली पार्टी, आने वाली पार्टी, अपराध का समांतर समाजवादी वास्ते समझ में नहीं आता है आज भी। चलिए ठीक है गौरव जी ठीक है, आपने अभी तो गौरव जी ये खोजते रहे, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब 2022 में फिर कोने में बैठेंगे, उसी सदन में किसी कोने में बैठेंगे और संख्या कम हो जाएगी। चलिए ठीक है गौरव जी, आज योगी सरकार ने की बड़ा फैसला लिया है कि कोरोना के समय में जो 3 लाख मुकदमे दर्ज किए गए थे अब सरकार उन्हें वापस ले लेगी। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ये कहा गया कि कोरोना के समय में जिन परिवारों के लोगों की जान गई उन्हें परिवारों को सरकार 50,000 का मुआवजा देगी। आखिर अब जब चुनाव पास है तो फिर ऐसे फैसले अब क्यों लिए जा रहे हैं? तब क्यों नहीं जनता की याद आ रही थी कोरोना के समय में, तब मुकदमे कर लिए गए, अब मुकदमे वापस लेने का फैसला किया जा रहा है? नहीं देखिए, जिस समय पेंडेमिक चल रहा था, महामारी चल रही थी, उस समय तात्कालिक फौरी तौर पर यह आवश्यक था कि जनता अनुशासन में रहे, क्योंकि उससे बीमारी को बढ़ने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए कड़ाई से नियमों का पालन कराने के कारण जिन लोगों के ऊपर इस तरह के कार्रवाइयां हुई हैं उसको अब वापस लेने की जो प्रक्रिया चल रही है स्वागत योग्य है, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। नहीं, अगर आप इस तरह से मुकदमे वापस लेंगे लोग तो फिर आगे इस तरह के उल्लंघन करेंगे। देखिए वस्तुतः वो अपराधी नहीं है, वस्तुतः वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए फौरी तौर पर यह की गई कार्यवाही थी। और सरकार यदि उसको वापस ले रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। कम से कम आतंकियों का, जिन आतंकियों ने हमला किया अयोध्या पर, जो आतंकवादी रहे उनको सदन में छुड़ाने का काम और बिल लाने का काम समाजवादी पार्टी करती है, वैसा कुकृत्य तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। यदि कोर्ट नहीं रहता, हाई कोर्ट नहीं रहता तो न जाने कितने कितने ये कांड कर रहे थे अपने उसी 5 वर्ष के कार्यकाल में। कांधार तो सभी किसने छोड़ा गलत मसूबों पर कोर्ट ने कांधार किसने पहुंचाया आतंकवादियों को? गौरव जी पुलिस की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती। चलिए ठीक है गौरव जी अभी आप ये सरकार का फैसला मुकदमे लेने का स्वागत योग्य बता रहे हैं, लेकिन जो ये कहा गया कि जिन परिवार के लोगों की कोरोना के समय में जान गई उन्हें 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा, ये फैसला तब क्यों नहीं लिया गया? इतनी देर क्यों लग गई इस फैसले में? देखिए कई फैसले लिए गए हैं, जो बच्चे माता पिता विहीन हो गए उनके लिए लिया गया, उनके लिए शेल्टर, उनके लिए पढ़ाई, विवाह की व्यवस्था, ये सारी कई एक सीरियल ऑफ रिलैक्सेशन और मुआवजा देने का प्रक्रिया सरकार ने घोषणा किया, उस पर काम चल रहा है, उसको दिया भी जा रहा है। उस संदर्भ में महामारी के दौरान उसके द्वारा उपजी समस्याओं का निराकरण करने के लिए समय समय पर जब जब जो भी चीज आवश्यकता होगी वो सरकार करेगी, लेकिन इसको किसी राजनीतिक लाभ हानि के तराजू में तौलना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं। नहीं उचित तो नहीं है, लेकिन जिस समय पर लिया गया है उस समय में तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं देखिए चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन ये एक प्रकार की महामारी है, पूरी वैश्विक महामारी है,
जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल किया गया, नहीं ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सरकार ने काम किया। सरकार बार बार अपनी पीठ थपथपाती है कि कोरोना को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया उत्तर प्रदेश में, WHO ने भी तारीफ कर दी, लेकिन क्या वो तस्वीरें नहीं दिखती लखनऊ की या फिर कानपुर की या फिर पूरे यूपी में किसी भी जिले की उठा लीजिए, जहां पर शमशान घाटों में लाइन लगी हुई थी, सड़कों पर लाइन लगी हुई थी, अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई थी। अभी देखिए यहाँ की मीडिया जिस तरीके से डिजाइन करने का प्रयास किया है, नहीं मीडिया ने कोई डिजाइन नहीं किया है। अच्छा ठीक है गौरव जी और मीडिया ने कुछ डिजाइन नहीं किया है। आपके मीडिया ने अमेरिका में जाकर के, यूएसए में जाकर के जब वो फील्ड दिखाना शुरू किया जहाँ पे वहाँ दिवंगत हुए लोगों की अंतिम कतार ही नहीं नजर आ रही है, उस पर उससे अगर तुलना करिए तो उतना विकसित राष्ट्र होने के बावजूद नहीं। देखिए गौरव जी, तुलना करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, तुलना करने वाली बात ही नहीं है, तुलना करने वाली बात ही नहीं है। बात यह है और देखिए आप पर मैं दोबारा से वापस आऊंगी और इस बात का जवाब भी दूंगी, लेकिन हमारे साथ हमाम वाहिद जी भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। हमाम जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो चुकी है और लगातार जारी है, ऐसे में वो लगातार महिलाओं के लिए बात कर रही है, महिलाओं के लिए आगे कदम बढ़ा रही है, क्या महिला कार्ड 2022 के बाद भी प्रियंका गांधी का जारी रहेगा? बिल्कुल, 2017 के बाद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश महिला पे लगातार जो अपराध हो रहे हैं, अपराधियों को बचाने में भारतीय जनता सरकार के अधिकारी खड़े थे, हाथरस में देखा नाम में भारतीय जनता पार्टी सरकार विधायक के साथ खड़ी रही और मजदूरों को पीड़ित को इतना परेशान किया गया, उनके लोगों के उनके परिवार, तो ये जो पूरा क्या है महिला के लिए और टिकट देने का, वो प्रेरणा देश में राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया, ये कोई मामूली नहीं है, सोचा समझा हुआ बहुत फैसला लिया गया है और मैं तो इस फैसले का स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आज उत्तर प्रदेश में महिला चाहे वो दलितों की महिला हो, किसी भी जाति की हो, सबके साथ हुए अपराधी घटना हुई, इसलिए प्रियंका गांधी ने महिलाओं को खड़ा करने के लिए महिला जो उनके सपने। चलिए ठीक है हमाम जी आपके नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम है, सही से आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी यहाँ तक। गौरव जी आपके पास दोबारा आना चाहूंगी, आप कह रहे थे अमेरिका की जिस तस्वीर के बारे में आप बात कर रहे थे वो तस्वीर हर किसी ने देखी है, लेकिन देखिए उस तस्वीर को यहाँ के लोगों की जो जितनी जाने गई, जो अस्पतालों के बाहर की तस्वीरें थी, जो शमशान घाटों के बाहर की तस्वीरें थी, उससे तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में भी हमारे भारत में भी बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और बार बार सरकार, मुझे इस समझ नहीं आता है, यूपी में ठीक है कोरोना की अच्छे से वो की गई रोकथाम, लेकिन क्यों सरकार उस पर नहीं बोलती, क्यों बार बार ये कहा नहीं जाता, ये बताया नहीं जाता कि क्या हालात थे, मौतों का आंकड़ा तक छुपाया गया था। नहीं देखिए, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड था और अभी भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना का जो एक समय है, फेज है, कम जरूर हो गया है लेकिन अभी भी नियंत्रण में है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है कोरोना का खतरा जी। और ये वैश्विक महामारी है, ये किसी पार्टी के द्वारा या किसी देश के द्वारा उसको दोष देना कि उसके कारण से ये चीजें हुई हैं, हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हमने इसका नियंत्रण किया और किसकी क्या भूमिका रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सड़कों पर काम करते दिखाई दिए, वहीं अन्य विपक्षी दलों ने क्या किया, कोरोना को नियंत्रण करने के वो सारे उपाय पर प्रश्न चिन्ह उठाया, लोगों को भ्रम में डालने का काम किया, वैक्सीन तक को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, इस प्रकार से कहीं ना कहीं कोरोना को फैलाने में, लोगों को मौत के मुंह में झोंकने में विपक्ष ने अपनी भूमिका अदा की और जनता इस बात को भली नहीं। ठीक है गौरव जी, विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन वही विपक्ष अब उसी वैक्सीन को लगवाता हुआ भी नजर आ रहा है, जिन लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया था शुरू में उन सबने लगवाई है और लगवाना भी चाहिए, वही काम पहले करना चाहिए था। ऐसे ऐसे महामारी में
जो बिना जाति बिना धर्म बिना संप्रदाय बिना पार्टी बिना मत को देते हुए सबके ऊपर आक्रमण कर रही है उसमें भी अपने ओछी राजना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ये काम तो पहले करना चाहिए था इनको, लेकिन कर रहे हैं। सद्बुद्धि इनको मिली, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन आप आज ये बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए कि सिर्फ एक वर्ष के अंदर में दो दो स्वदेशी वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने पैदा की बनाई और 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया। आज पूरे दुनिया के लिए शोध का विषय बना हुआ है, रिसर्च का विषय बना हुआ है कि किस प्रकार भारत ने इस पूरे महामारी में डील किया और तमाम दुनिया के विकसित देश धराशायी हो गए। तो मुझे लगता है चलिए ठीक है, आवश्यकता है पीछे मुड़ करके चलने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए ठीक है गौरव जी ठीक है गौरव जी ठीक है। कीर्ति जी आपके पास आना चाहूंगी। कल अखिलेश यादव ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें लिखा था मैं आ रहा हूं, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और सीधे तौर पर कहा है हम नहीं आने देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं ये उनका अपना विषय है, लेकिन प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि अखिलेश यादव जी वापस आए और पूरे प्रदेश में किसान नौजवान व्यापारी सब संकल्पित है समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए उनकी सरकार बनाने के। कोरोना काल की बात कर रहे थे गौरव जी और उस कार्यकाल में दर्ज मुकदमों की वापसी की बात कर रहे हैं। भगवान ने सरकार को सद्बुद्धि दिया, वो मुकदमे वापस ले रहे इसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन एक बार उस कालखंड को इनको याद करना चाहिए कि सरकार शराब की दुकानों को तो प्रोटेक्शन में खुलवा रही थी लेकिन सब्जी खरीदने वालों को सब्जी बेचने वालों को राशन खरीदने वालों को राशन बेचने वालों को दूध के लिए सड़क पे जाने वालों को किस तरीके से पुलिस पीटती नजर आई उनके खिलाफ मुकदमा लिखती नजर आई वो दर्द भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महसूस नहीं हुआ। बार बार उस पर सवाल खड़ा हो रहा था कि अगर शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो राशन की व्यवस्था भी कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, दूध की जिम्मेदारी घरों तक कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर ये सब उपलब्ध होता आसानी से तो लोग सड़कों पर क्यों आते और अपने ऊपर मुकदमा क्यों लिखवाते, पुलिस की लाठी क्यों खाते। लेकिन सरकार को सद्बुद्धि आई नहीं तब तो आज ही से कम मुकदमा वापस लेने को तैयार। और एक बार कोरोना काल में कोरोना से मरने वालों को सरकार 50,000 देगी, किसी के सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा है कि कोरोना से इनकी मृत्यु हुई है, जो डेथ सर्टिफिकेट बने किसी भी सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा है कोरोना से मरे हैं। तो किसको मदद करेगी सरकार? कोरोना मृतकों की सूची तो जारी करे उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश में कितने लोग मृत हुए, कितने लोगों की मौत हुई है ये पता ही नहीं है। सरकार ने तो सदन में कहा कि कोई भी ऑक्सीजन से मरा ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तो कह रहे गौरव जी की मीडिया इवेंट कर रही थी, ये गंगा के किनारे जो लाशें मिली 1 फीट 1.5 फीट के अंदर जो पानी के बहाव के साथ नंगी दिखने लगी जिसके ऊपर से कपड़े डोसते हुए तस्वीरें वायरल हुई ये मीडिया ने बनाया था। जो भैंसा कुंड लखनऊ के अंदर गोरखपुर के अंदर गाजियाबाद के अंदर लगातार चलिए ठीक है ठीक है कीर्ति जी ठीक है। समय अभी मेरे पास नहीं है ज्यादा, हमाम जी आपके पास आना चाहूंगी और आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगी। देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से अभी जनसभाएं की जा रही हैं, प्रचार किया जा रहा है और एक बात यहां पर सबसे ज्यादा कही जा रही है कि कुछ पार्टियों ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है। बिल्कुल भाजपा प्रचार प्रसार भी करना इस सरकार के लिए थे और इन लोगों ने झूठे प्रचार है प्रचार करने के लिए अमेरिका की और बंगाल की जो हैं। तो इस बार की जनता जो है झूठे प्रचार में फंसने वाली नहीं है, बहकावे में आने वाली नहीं, प्रदेश की जनता है वो मुहर लगाएगी प्रदेश के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण पार्टी ने वादा किया है। तो क्या है 20 लाख रोजगार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्रति वर्ष 14 लाख था लेकिन आपने रोजगार नौजवान को पकौड़े तलने। चलिए ठीक है ठीक है हमाम जी,
अमाम जी आपको रोकूंगी बीच में, समय ज्यादा नहीं है और आपके यहाँ पे शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, आपकी आवाज भी सही तक मुझ पर नहीं पहुंच पा रही है। तो आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब यूपी में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कोई महिला कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है तो कोई जातिगत आधार पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। वहीं सपा भी MY की अब परिभाषा बदलने की कोशिश कर रहा है। जिस MY को पहले मुस्लिम यादव के तरह कहा जाता था, अब इस बार सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि M मतलब महिला और Y मतलब युवा। और इसीलिए आपको ये भी बता दें कि अब देश में समय सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और किसान आंदोलन नजर आ रहा है, और इसी मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, देश की जनता परेशान है। किसान सड़कों पर 11 महीने से ज्यादा हो गया, करीब एक साल हो चुका है आंदोलन कर रहे हैं, और इसीलिए इन सभी मुद्दों का फायदा विपक्ष पूरी तरह से उठा रहा है। लेकिन 2022 में जनता किसका साथ देगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।